हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न स्टॉक चार्ट्स टू अर्न। दोस्तों, अगर अब तक आपने मेरे चैनल को विजिट नहीं किया तो चैनल पर आइए, यहाँ पे प्लेलिस्ट पे क्लिक कीजिए। प्लेलिस्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैंने कैटेगरी वाइज वीडियोस अपलोड करके रखे हैं। प्लेलिस्ट का नाम देखकर भी आपको पता लग जाएगा कि वो रिस्पेक्टिव प्लेलिस्ट में किस तरह के वीडियोस है। तो आपके इंटरेस्ट के हिसाब से आप ये वीडियोस देख लीजिए, और अगर आपको चैनल पे कुछ भी मीनिंगफुल लगता है, और अगर आपको लगता है कि चैनल पे जो भी हमने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है उससे आपके नॉलेज में गेन हो रहा है, तो ये आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर सब्सक्राइब करते हैं तो रेगुलर अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए। दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट रिलेटेड बुक्स में इंटरेस्ट है तो अमेजोन पर आकर ये मेरा नाम डाल दीजिए, और सर्च पे क्लिक करने के बाद अब तक जितने भी मैंने बुक्स पब्लिश किए हैं आपके सामने आ जाएंगे। यहाँ पे भी हमने बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश की है, उसके ही साथ जो अलग अलग ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज रहते हैं, जैसे कि इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज, फिर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज, फिर स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज, फिर मल्टीबैगर स्ट्रेटजीज, तो हर अलग तरह के स्ट्रेटजीज के ऊपर, चार्ट पैटर्न्स के ऊपर और टेक्निकल इंडिकेटर्स के ऊपर हमने बुक पब्लिश करने की कोशिश की है। हिंदी में भी एक बुक पब्लिश किया है दोस्तों, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है स्टॉक मार्केट एंड टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। तो यहाँ पे आइए दोस्तों, और जो भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है उससे भी आप फ़ायदा लेने की कोशिश कीजिए दोस्तों। लेकिन जो भी हमने इन्फॉर्मेशन या रिस्पेक्टिव बुक्स में प्रोवाइड की है उसे आप एजुकेशनल पर्पज़ ही कंसिडर कीजिएगा दोस्तों। और एक बात, अगर आपको मेरा एजुकेशनल स्टॉक वॉलेट ज्वाइन करना है तो आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। स्टॉक वॉलेट में मैं हर वीकेंड में मेरी जो भी स्टॉक के ऊपर की स्टडी है आपके साथ शेयर करते रहता हूँ। जो भी हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे वो इक्विटी सेगमेंट के लिए रहेगा। उस टेक्निकल एनालिसिस में हम जो स्टॉक सिलेक्ट करेंगे उसके सिलेक्शन के पीछे का रीजन, उसमें हमें कहाँ पे बाय करना है, टारगेट किस तरह से कैलकुलेट करना है, और हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे होने वाला है, इस तरह की इन्फॉर्मेशन हम डिस्कस करते रहते हैं। स्टॉक वॉलेट हमारा पीडीएफ फॉर्मेट में रहेगा, और स्टॉक वॉलेट में हम जो भी इन्फॉर्मेशन डिस्कस करते रहते हैं वो पूरी तरह से एजुकेशनल पर्पज है दोस्तों। अगर आपको फर्दर क्वेरीज रहेंगे तो आप नीचे मैंने मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है, आप वहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो का हमारा टाइटल है 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कैसे करें। यानी कि आज की वीडियो में हम एक सिंपल सी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी देखेंगे जिसमें हम 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करेंगे, और उसी के साथ हम कुछ अदर क्राइटेरियाज भी देखेंगे, और उसके हिसाब से मान लीजिए अगर कोई स्टॉक हमारे सिग्नल पे आता है, हमारे ट्रेडिंग सेटअप पे बैठता है, तो उसमें शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेडिंग किस तरह से की जाए वो इन्फॉर्मेशन हम देखने की कोशिश करेंगे दोस्तों। यहाँ पे हम विथ एग्जांपल देखेंगे, एग्जांपल के जरिए जब भी हम देखते तो हमें अच्छी तरह से समझ में आता है। तो आज के दिन में मुझे जो स्टॉक मिला था, जो कि मेरे हिसाब से 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आया था, और उसमें फिर किस तरह से प्राइस एक्शन आई है वो बताने के लिए आज का मैंने जो स्टॉक सिलेक्ट किया है उसमें ऑलरेडी मोमेंटम भी आया है, तो उसके हिसाब से आपको समझ में आएगा। आप अगले ट्रेडिंग सेशन से उस तरह के स्टॉक ढूंढने की कोशिश कीजिए, और वहाँ पे कुछ दिन के लिए ट्रैक कीजिए, तो आपको समझ में आएगा कि 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम भी इस्तेमाल करके हम शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेडिंग कर सकते हैं दोस्तों। 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम हम इस्तेमाल कर सकते हैं, 1 आवर का कर सकते हैं, कोई 4 आवर्स का इस्तेमाल करता है, कोई डेली चार्ट का भी इस्तेमाल करता है। मार्केट में जनरली कोई भी स्टॉक में प्राइस एक्शन आने के लिए दो इम्पॉर्टेंट बातें रहती है। पहली इम्पॉर्टेंट बात सपोर्ट, और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात सपोर्ट पे अगर डिमांड आता है। सपोर्ट यानी क्या, जो भी चार्ट पे टेक्निकली इस तरह के कुछ लेवल्स बनते हैं कि जहाँ पे स्टॉक नीचे जाकर रुकता है उस लेवल्स को हम सपोर्ट कहते हैं। और डिमांड यानी क्या, डिमांड यानी कि वो पर्टिकुलर सपोर्ट लेवल पे आने के बाद बहुत सारे लोग उस पर्टिकुलर स्टॉक में एंट्री करना शुरू कर देते हैं, यानी कि वो स्टॉक में डिमांड आना शुरू होता है। तो अगर सपोर्ट पे हमें डिमांड मिल जाए तो इस तरह की सिचुएशन बनती है कि स्टॉक में प्राइस एक्शन मैक्सिमम टाइम पे आने की चांस, यानी कि आने की संभावना रहती है। तो सपोर्ट पे जो प्राइस एक्शन बन सकती है वो हम डेली चार्ट पे भी देख सकते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि 4 आवर के चार्ट पे भी देख सकते हैं, आवरली चार्ट पे भी देख सकते हैं, और उसी के साथ 30 मिनट्स के चार्ट पे भी देख सकते हैं। अभी जब भी हम लोअर टाइम फ्रेम पे देखेंगे, यानी कि जब भी हम 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देखेंगे, तो वहां पे हमारा रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा फेवरेबल हो जाता है, क्योंकि हमारी एंट्री थोड़ी अर्ली हो जाती है। अगर हम आवरली चार्ट पे देखेंगे तो थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड बढ़ जाएगा, यानी कि उतना रिस्क रिवॉर्ड हमें नहीं मिलेगा। अगर हमने 4 आवर की कैंडल चूज की तो उसमें रिस्क रिवॉर्ड और भी हमारा उतना इम्प्रूव नहीं होगा, और डेली पे
उतना भी उससे कंपेरेटिवली अगर हम करेंगे तो उतना भी इम्प्रूव नहीं हो जाएगा। तो 30 मिनट्स के चार्ट पे हमें रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा इम्प्रूव भी होकर मिलता है, लेकिन इसमें एक कंडीशन इतनी है कि जो भी हमारा स्टॉक सिलेक्शन है वो सही तरीके से होना चाहिए, क्योंकि लोअर टाइम फ्रेम पे अगर हमने जल्दबाजी की तो स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस रहते हैं, तो वो भी हमें ध्यान में रखना है। तो आज की वीडियो में हम इन डिटेल देखेंगे कि किस तरह से हमें चार्ट सेटअप बनाकर किस तरह से ट्रेड करना है। दोस्तों वीडियो शुरुआत करने से पहले कहना चाहूंगा कि अगर आपको हमारे चैनल की मेंबरशिप चाहिए तो नीचे सब्सक्राइब बटन के बाजू में आपको एक ज्वाइन बटन मिल जाएगा, उस पर क्लिक करने के बाद आप हमारे चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं। तो चलिए अभी मैं डायरेक्टली वीडियो शुरू कर देता हूँ। तो दोस्तों आज की जो हमारी स्ट्रेटेजी है उसके लिए जो भी मैंने एग्जाम्पल लिया है वो एग्जाम्पल है सिम्फोनी का। यहाँ पे आप स्टॉक का नाम देख सकते हैं, सिम्फोनी का चार्ट है ये 30 मिनट्स का चार्ट है और ये कैंडलस्टिक चार्ट है। अभी चार्ट में हमने दो टेक्निकल इंडिकेटर का इस्तेमाल किया है। पहला इंडिकेटर है सिंपल मूविंग एवरेज 10 का। अभी 10 का मूविंग एवरेज देखेंगे तो बहुत ही अच्छी तरह से इमीडिएट ट्रेंड को पकड़ने के लिए वर्कआउट होता है। यहाँ पे 10 MA पे जो भी ब्रेकआउट बनता है या तो ब्रेकडाउन बनता है वो भी अच्छी तरह से वर्कआउट होते रहता है और हर एक टाइम फ्रेम पे वो वर्कआउट होता है, तो हमें उसका भी सहारा लेकर हम कर सकते हैं। और नीचे हमने वॉल्यूम इंडिकेटर लिया है थोड़ा कंफर्मेशन के लिए। अभी एक सैंपल सेटअप मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके साथ अगर आपको अदर इंडिकेटर्स मिलाने होंगे तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि प्योर पॉइंट रहेगा, RSI रहेगा, राइट, अलग अलग जो टेक्निकल इंडिकेटर रहते हैं उसका भी इस्तेमाल करके हम हमारे ट्रेड को कन्फर्म कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने खाली दो इंडिकेटर का सहारा लिया है। अभी यहाँ पे अगर हमारा पूरा ड्यूरेशन देखेंगे चार्ट का, ये पूरा ड्यूरेशन जितना भी चार्ट हमारे सामने दिख रहा है उसका ड्यूरेशन अगर आप कंसिडर करेंगे तो वो ड्यूरेशन है 30 डेज का। यानी हमने 30 डेज का टोटल ड्यूरेशन वाला चार्ट ओपन किया है और उसमें ये जो वर्टिकल डैश्ड लाइन हमें दिख रहे हैं वो हर एक डेज को डिफरेंशिएट कर रहे हैं और हमारा चार्ट है टोटल 30 मिनट्स का। यानी कि एक कैंडल हमारी जो सामने आ रही है वो 30 मिनट की है। अभी इसमें क्या करना है दोस्तों, हमें इस तरह का स्टॉक सिलेक्ट करना है जो कि 30 डेज के लो में ट्रेड कर रहा होगा। अभी यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये 30 डेज का चार्ट है और आज के दिन में देखेंगे तो ये कैंडल पहली कैंडल प्रिपेयर हो गई, राइट। तो ये कैंडल को अगर हम देखेंगे और पूरा चार्ट 30 डेज का देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि 30 डेज के पूरे लो पे ये कैंडल ने यहाँ पे बुलिश कैंडल यहाँ पे बन गई है। यानी कि पूरे 30 डेज के लो पे हमें स्टॉक मिलना चाहिए, लेकिन ये कैंडल पे हम एनालिसिस नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने 10 SMA लिया है तो जो कैंडल 10 SMA को ब्रेकआउट देती है वो कैंडल पे हम एनालिसिस करेंगे। तो यहाँ पे ये कैंडल देखेंगे तो ये कैंडल ने 10 SMA पे ब्रेकआउट दिया। अभी इस तरह की सिचुएशन, ये सिचुएशन में अगर आप देखेंगे तो 10 SMA पे ब्रेकआउट हमें ये कैंडल पे मिल गया। ये कैंडल पे 10 SMA का ब्रेकआउट मिलने के बाद हमने वॉल्यूम देख लिया, वॉल्यूम भी हमें यहाँ पे बहुत ही अच्छा खासा मिल गया। उसके बाद हमने चार्ट को जूम आउट करके देखा तो हमें पता लग गया कि 30 डेज के पूरा बॉटम पे ये चार्ट ट्रेड कर रहा है। तो इस तरह के सिचुएशन में कोई स्टॉक मिलता है तो हमें वो चूज करना है, यानी कि पूरे 30 डेज के बॉटम पे होना चाहिए, 10 SMA को ब्रेकआउट देना चाहिए, वॉल्यूम अच्छा होना चाहिए। जब भी ये सिचुएशन बनती है तो जो भी कैंडल हमारी बनी थी ये कैंडल, तो ये कैंडल हमारी ट्रेडिंग सिग्नल की कैंडल है, यानी कि ये कैंडल ने हमें ट्रेडिंग का सिग्नल दे दिया। अभी इसमें हमें ट्रेड करना हो तो हम किस तरह से करेंगे, तो इसके हाई के ऊपर हम बाय करेंगे, कैंडल के लो के नीचे हम हमारा स्टॉप लॉस लगाएंगे। अभी 30 मिनट्स की कैंडल रहेंगे तो कंपेरेटिवली हमारा स्टॉप लॉस थोड़ा कम हो जाएगा। अभी कैंडल बेसिस पे भी हम स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, लेकिन 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे मार्केट अगर वॉलाटाइल रहेगा, स्टॉक में वॉलाटिलिटी ज्यादा रहेगी, तो इस तरह के स्टॉप लॉस हिट होने की संभावना रहती है। तो हम यहाँ पे थोड़ा जो भी स्विंग्स बनते रहते हैं, स्विंग के लो बनते रहते हैं, वहां पे हम स्टॉप लॉस लगाएंगे और हमारी ट्रेलिंग भी वहां पे लगाएंगे। यानी कि अभी यहाँ पे देखेंगे तो ये 30 मिनट्स का बॉटम ये कैंडल पे था, ये कैंडल के लो के नीचे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और हम बाय करेंगे ये कैंडल के हाई के ऊपर। अभी जब भी अगर आप ये चार्ट को देखेंगे तो ये कैंडल के हाई के ऊपर कोई भी कैंडल नहीं है। हाई के ऊपर यानी कि हाई के ऊपर हम थोड़ा बफर लगाएंगे, हाई के ऊपर थोड़ा ही ऊपर जाने के बाद हम उसमें पोजीशन नहीं बनाएंगे, हम थोड़ा बफर लगाएंगे। यानी कि स्टॉक की प्राइस देखेंगे, मान लीजिए 1000 रुपीज का स्टॉक रहेगा तो कम से कम 1 रुपीज का हम बफर लगाएंगे, तो उसके रिस्पेक्टिव हम जो भी स्टॉक के प्राइसेस है उसके अकॉर्डिंगली हम उसमें बफर लगाएंगे और वहां पे जाने के बाद हम उसमें पोजिशन बनाएंगे। अगर वो वहां पे नहीं जाता तो हम पोजिशन नहीं बनाएंगे। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो थोड़ा नीचे आ गया लेकिन हमारा स्टॉप लॉस बहुत ही दूर था, और फिर बाद में देखेंगे तो ये इस तरह की बड़ी वाली कैंडल बन गई। हमारे ये कैंडल का जैसे ही बफर के साथ हाई ब्रेक हुआ उसमें इमीडिएट बेसिस पे प्राइस एक्शन आ गया और बड़ी वाली कैंडल बन गई। अभी जब भी इस तरह के कैंडल्स बनने लगते तो हमें
हमारे ट्रेलिंग को शिफ्ट करना है। पहला हमारा स्टॉप लॉस था यहाँ पे, फिर इस तरह का यहाँ पे एक स्विंग बन गया और इस तरह की मूवमेंट आ गई। तो जब भी ये स्विंग का लो ये कैंडल पे बन गया तो हमें यहाँ पे ट्रेल शिफ्ट करना है, यानी कि जिस तरह से स्विंग बनते रहते हैं उसी तरह से हमें इमीडिएट बेसिस पे हमारे ट्रेल को शिफ्ट करना है। ट्रेल को शिफ्ट करते करते मान लीजिए इस तरह का ब्रेकआउट वाला कैंडल हमें मिलता है तो यहाँ पे भी हम हमारे यानी कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को शिफ्ट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए इस तरह के बड़े वाले कैंडल्स बनते रहते हैं और हमारा स्विंग लो बहुत ही नीचे रहता है तो हम कैंडल बेसिस पे भी फिर हमारे स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं, क्योंकि इसका हाई यहाँ पे है और ये कैंडल का लो यहाँ पे है। तो जब भी हम ये डिस्टेंस वाइज देखेंगे तो डिस्टेंस बहुत ही दूर हो जाता है। तो अगर हमें इमीडिएट बेसिस की ट्रेडिंग करनी है यानी कि शॉर्ट टर्म, यानी क्या यहाँ पे मैंने शॉर्ट टर्म का मतलब यहाँ पे 6 मंथ 3 मंथ इस तरह से कंसिडर ना करते हुए शॉर्ट टर्म यानी यहाँ पे जिस तरह के हम स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, मान लीजिए 1 दिन 2 दिन 1 हफ्ता 2 हफ्ता मैक्सिमम 1 मंथ की हमारी ट्रेडिंग रहने वाली है, क्योंकि हम 30 मिनट के चार्ट पे स्टॉक का सिलेक्शन कर रहे हैं तो उसके हिसाब से हम मोमेंटम को कैच करके उसमें ट्रेडिंग करने वाले हैं। तो हफ्ता 2 हफ्ते में ही हम उसमें बाहर आने की संभावना रहती है हमारा अगर ट्रेल हिट होता है तो। तो इस तरह से हमें ट्रेल शिफ्ट करना है। जब भी बड़ी डिस्टेंस वाली कैंडल हमें मिलती है तो कैंडल के नीचे हम हमारा ट्रेल शिफ्ट करेंगे। तो इस तरह से जब भी स्टॉक में मान लीजिए कि इस तरह के स्विंग्स बनते रहते हैं, हायर हाइज हायर लो बनते रहते हैं, तो हम कंटिन्यूस बेसिस पे जो भी स्विंग का लो बन रहा है उसके नीचे हम हमारा ट्रेल शिफ्ट करते जाएंगे और जब भी हमारा ट्रेल हिट हो जाएगा हम यहाँ पे बाहर आएंगे, राइट। तो इस तरह से हम सिंपल सा तरीका इस्तेमाल करके भी शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग कर सकते हैं। और शॉर्ट टर्म यानी कि यहाँ पे मैं इमीडिएट ट्रेंड का कंसिडरेशन कर रहा हूँ, जिसमें कभी कभी इंट्राडे में भी प्राइस एक्शन बनता है। अभी यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से अगर आप देख लेते तो ये हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे था, हमारी एंट्री पोजिशन यहाँ पे थी और आज के दिन ने दिन में स्टॉक ने ये मूवमेंट दे दी, तो 1:1 से भी ज्यादा हमें आज के दिन में रिस्क रिवॉर्ड मिल गया है इंट्राडे बेसिस पे। कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि 1:2 का भी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अगर प्राइस एक्शन बनता है तो इंट्राडे में ही मिलता है। तो उस तरह के सिचुएशन में भी अगर हमें लगता है कि 1:2 इंट्राडे में मिल रहा है तो वहां पे भी हम प्रॉफिट बुक करके बाहर आ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि होल्ड करना है, हम उसे हफ्ता 2 हफ्ता के लिए होल्ड करेंगे, तो फिर हम वो पर्टिकुलर सिचुएशन में जो भी स्टॉक हमें मिल रहा है उसमें ट्रेलिंग करके उसे होल्ड कर सकते हैं। तो ट्रेलिंग करने का फायदा इतना हो जाता है कि मान लीजिए ये स्टॉक में कल भी प्राइस एक्शन आती है तो जो भी चार्ट पे रेजिस्टेंस दिखते हैं वो हमारे अगले टारगेट रहेंगे। अभी मैं कैजुअली यहाँ पे मार्कआउट करता हूँ, ये एक सिचुएशन रहेगी, फिर अभी ये एक दायरा में मार्कआउट करता हूँ, उसके बाद ये एक डायरेक्टली में कर देता हूँ, फिर डायरेक्टली ये इसका हाई वाला, राइट। तो जैसे जैसे हर एक ऊपर वाला दायरा ब्रेकआउट होगा वैसे वैसे उसमें फिर फर्दर प्राइस एक्शन आएगी और वो अगले रेजिस्टेंस के लिए मूव होगा और उसी तरह से हमें उसमें ट्रेलिंग भी करते जाना है। तो अगर हम ट्रेलिंग करेंगे और जल्दी से जल्दी हमारा ट्रेल हिट नहीं होता तो कभी कभी हम स्टॉक में बहुत ही अच्छा खासा मुनाफा बहुत ही शॉर्ट टर्म में भी कमा सकते हैं। तो इस तरह से हम खाली 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करके, 10 SMA का इस्तेमाल करके और वॉल्यूम के साथ और ये जो मैं पूरा जो कि 30 डेज का टाइम फ्रेम है उसका सहारा लेकर हम अच्छी तरह से शॉर्ट टर्म बेसिस पे ट्रेडिंग कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे शॉर्ट टर्म का कंसिडरेशन है कि 1 हफ्ते से लेकर 1 महीने तक का हमारा ये पीरियड हो सकता है, राइट। इसमें हमारा रिस्क रिवॉर्ड भी इम्प्रूव हो जाएगा। तो इस तरह से आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो अभी ये स्टॉक को आप कुछ दिनों के लिए ट्रैक कीजिएगा। वैसे तो आज के दिन में ये स्टॉक ने बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न दिया है, यहाँ पे भी बुक किया तो भी चलेगा। अगर आप ट्रेल करते हैं और ट्रेल करते करते जैसे कि मैंने ये लास्ट ट्रेलिंग बताई यहाँ पे आएगा तो हम इसके लो के नीचे हम पूरा प्रॉफिट बुक करेंगे, और मान लीजिए इसमें प्राइस एक्शन आती है, ये लेवल ब्रेकआउट होते हैं तो फिर हम अगले टारगेट भी एक्सपेक्ट करेंगे। तो इस तरह से हम सिंपल से तरीके भी इस्तेमाल करके कर सकते हैं। अभी मैंने एक सैम्पल सेटअप बना के आपको बताया, इसमें आप थोड़ा इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि अलग अलग इंडिकेटर के साथ भी आप इसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, पूरी तरह से आप पे डिपेंड हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, मुझे लगता है रिस्पेक्टिव वीडियो में हमने जो भी डिस्कस किया इससे आपको जरूर फायदा हुआ होगा। दोस्तों अभी हमने लाइव चार्ट पे एनालिसिस किया तो डिस्क्लेमर बताना जरूरी है। तो दोस्तों एज ए डिस्क्लेमर, इस चैनल पे हम जो भी डिस्कस करते रहते हैं वो पूरी तरह से एजुकेशनल पर्पज है, तो आप इसे एजुकेशनल पर्पज ही ले लीजिएगा, इसको देखकर आप प्लीज ट्रेड मत कीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।